मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मोगली है, जो कुछ वुल्फ्स के साथ वहाँ पर भाग रहा था। तभी वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा था। बगीरा जो कि एक ब्लैक पैंथर था, मगर फिर भी वो वुल्फ्स के साथ रहा करता था और मोगली को भी उसने वुल्फ्स के तरीके सिखा दिए थे। तभी हम देखते हैं कि मौसम गर्मियों का आता है और हर तरफ पानी की कमी हो जाती है। अब उस जंगल में जितने भी जानवर थे वो इस बात को डिसाइड करते हैं कि सब जानवर मिलकर नदी के किनारे जो पानी बचा हुआ है वो पीने जाएंगे और कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर हमला नहीं करेगा। अब सब जानवर छोटे से बड़े तक सभी जानवर मिलकर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं। अब वहाँ पर मोगली भी आता है। वुल्फ का जो लीडर था उसने मोगली को इंसानों के तौर तरीके अपनाने से मना किया था और मोगली को उसने ये कहा था कि उसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि सभी जानवर मिलकर पानी पी रहे थे, तो सभी जानवर वहाँ पर मोगली को हैरानी से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। तभी वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और हम वहाँ पर एक टाइगर को देखते हैं जिसका नाम शेर खान था। शेर खान को वहाँ पर इंसान की स्मेल आती है। वो ये कहता है कि हमारे दरमियान कोई इंसान है। अब शेर खान मोगली को देख लेता है। वो कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। तभी वहाँ पर वुल्फ का लीडर उसको कहता है कि ये हमारे झुंड में से है और हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। अब शेर उनको कहता है कि आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और ये जो पानी की कमी है ये पूरी हो जाएगी और तब जो सब जानवरों में इत्तेफाक है वो खत्म हो जाएगा और तब मैं मोगली को उठाकर यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वो सभी जानवरों को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। अब सबके सब वुल्फ्स मोगली के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब वुल्फ के दरमियान में एक मीटिंग होती है। वो ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को साथ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये अगर मोगली को अपने साथ रखते तो शेर खान इनका भी दुश्मन बन जाता। मगर अब मोगली अपने वुल्फ साथियों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मोगली सभी वुल्फ के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर बकीरा भी था जो कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही बेहतर है। ब्लैक पैंथर बकीरा उनसे कहता है कि मुझे इंसानों का एक गांव पता है जहाँ पर मैं मोगली को छोड़ आऊंगा। पर वहाँ पर सभी वुल्फ में जो मोगली की मदर रक्षा थी वो कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मोगली को अपने पास से दूर नहीं होने दूंगी। मगर अब मोगली को तो यहाँ से जाना था। वो बकीरा ब्लैक पैंथर के साथ आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक सूखी घास के मैदान में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी भैंसें थी। तभी बकीरा ब्लैक पैंथर को ये एहसास होता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि रोशनी की तरफ भागो। इससे पहले मोगली को कुछ समझ आता, शेर खान मोगली पर हमला कर देता है। बकीरा शेर खान से लड़ता है। अब मोगली वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर था। बकीरा शेर खान का मुकाबला नहीं कर पाता। शेर खान बकीरा को हरा देता है और इसके बाद वो मोगली का पीछा करता है। और जैसे ही वो मोगली को पकड़ने वाला था तभी वो वहाँ पर भागती हुई भैंसों से टकरा जाता है। मोगली वहाँ पर भागते भागते शेर खान के डर से एक खाई में कूद जाता है। वहाँ पर जो भैंसें चारा खा रही थी वो भी वहाँ पर शेर खान के डर से भागने लगती हैं और इसी बात का फायदा उठाता है मोगली। वो एक भैंस को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। अब इस बात पर शेर खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मोगली उसके हाथों से निकल गया था। अब शेर खान उस जगह पर जाता है जहाँ पर वुल्फ रहते हैं। वुल्फ शेर खान को बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। अब शेर खान कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले नहीं किया। और अब वहाँ पर वुल्फ का जो लीडर था उससे शेर खान की फाइट हो जाती है। शेर खान उस लीडर को उठाकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है जिससे वुल्फ के लीडर की डेथ हो जाती है। अब सभी वुल्फ बहुत ज्यादा डर गए थे, शेर खान ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ हमें मोगली दिखाया जाता है जो अभी भी एक भैंस के ऊपर था। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें चट्टान पर से गुजर रही हैं और उस चट्टान का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो देखता है कि ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी। तभी वो अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है।
अब मोगली बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका था। मोगली को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वो वहाँ पर एक दरख्त पर कुछ फलों को देखता है। वो उन फलों को तोड़ने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर कुछ और जानवर आते हैं। वो मोगली के फलों को उठाकर भाग जाते हैं और अब मोगली इस घने जंगल में आकर रास्ता भी भूल चुका था। अब जब मोगली एक दरख्त के पास से गुजर रहा था तभी उसके पास एक पाइथन स्नेक आ जाती है। वो मोगली को हिप्नोटाइज कर लेती है जिससे मोगली को अपना पास्ट याद आता है जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। वो अपने पास्ट में देखता है कि किस तरह उसके फादर ने शेर खान से उसको बचाया था। उसके फादर के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी जिससे उन्होंने शेर खान पर हमला भी किया था और वो निशान शेर खान की आंख पर आज भी है। अब जब शेर खान ने उसके फादर को मार दिया था तभी मोगली के पास बघीरा आया था और वो बघीरा उसको वुल्फ के पास ले गया। अब दोबारा से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हम वही पाइथन स्नेक को देखते हैं। ये पाइथन स्नेक मोगली को अपनी बातों में लगा रही थी। उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी ताकि वो मोगली को खा जाए। अब जब ये मोगली को खाने वाली थी तभी वहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बल्लू था। वो मोगली को बचा कर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। मोगली होश में आता है तो अपने सामने वो बल्लू को देखता है। अब बल्लू मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें शहद तोड़ने में मेरी हेल्प करनी होगी। अब मोगली बल्लू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मोगली इंसानों की तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा शहद था। अब बल्लू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ, हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और खूब सारा शहद इकट्ठा करेंगे और सर्दियों में खूब मजे करेंगे। मगर मोगली बल्लू से कहता है कि मुझे यहाँ पर बघीरा ने रुकने से मना किया है। बल्लू कहता है कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बल्लू मोगली को उस जगह पर ले गया था जहाँ से इंसानों की बस्ती नजर आ रही थी और अब बल्लू तो मोगली को कन्विंस कर चुका था यहाँ पर रहने के लिए। अब जैसे ही बल्लू और मोगली मस्ती कर रहे थे तभी यहाँ पर बघीरा आ जाता है। वो मोगली को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने का कहा था। मोगली जैसे ही बघीरा को देखता है वो उसके गले लग जाता है। अब जब रात को सभी सो रहे थे तभी मोगली की आँख खुलती है। वो देखता है कि एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ था। वो वहाँ पर एक रस्सी लाता है और उन हाथियों की मदद करता है उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने में। अब वहाँ पर बघीरा और बल्लू भी थे। जब ये देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बघीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने वुल्फ के लीडर को मार दिया है और उसका अगला शिकार अब मोगली है। और अब जब बल्लू ये सुनता है कि शेर खान मोगली के पीछे है तो बल्लू मोगली के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तो शहद जमा करने के लिए तुमसे दोस्ती की थी। क्योंकि बल्लू ये जानता था कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता। मोगली को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं जो मोगली को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। बल्लू और बघीरा भी उन बंदरों का पीछा करते हैं। तभी ये बंदर मोगली को उठाकर एक चट्टान पर ले जाते हैं जहाँ पर इनका किला था और वहाँ पर इनका किंग भी था। वहाँ पर बघीरा और बल्लू भी आ जाते हैं। बल्लू उस मंकी किंग को अपनी बातों में उलझाता है और बघीरा मोगली को इशारा करता है भागने के लिए। और अब जब मोगली और बघीरा वहाँ से भागते हैं तभी एक बंदर इनको भागते हुए देख लेता है। बल्लू और बघीरा बाकी बंदरों से मुकाबला कर रहे थे तभी वहाँ पर जो मंकी किंग था वो मोगली के पीछे था। अब मोगली भागता भागता खंडरों में आ जाता है। अब वहाँ पर मंकी किंग उसका पीछा करता है तो वहाँ पर सारा खंडर गिर जाता है और अब मोगली तो एक दरख्त पर छलांग लगाकर बच जाता है। मगर वो मंकी किंग उस किले के मलबे के नीचे दब जाता है। अब मोगली सबसे पहले इंसानों की बस्ती में जाता है जहाँ पर वो जाकर देखता है कि आग चल रही है जिससे सभी जानवर डरते हैं। और अब वो वहाँ से एक मशाल लेता है तभी उस मशाल की चिंगारियाँ सूखी घास पर गिर जाती हैं जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। अब मोगली अपने साथियों के पास पहुँच जाता है जहाँ पर सभी वुल्फ थे। वहाँ पर शेर खान भी था। वो मोगली को देखता है और कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया है, तुम भी आखिरकार इंसानों की तरह ही हो। और अब मोगली
जैसे ही पीछे देखता है तो वो देखता है पूरे जंगल को आग लग गई थी। अब जो उसके साथी वुल्फ थे वो भी उससे डर रहे थे। मोगली उस मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि देखो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक भेड़िया यानी के वुल्फ हूँ। अब मोगली को शेर खान कहता है कि अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब जैसे ही वो मोगली पर हमला करने आ रहा था तभी सभी जानवर मोगली की मदद के लिए आ जाते हैं। मोगली अब भागता हुआ चलते हुए जंगल में चला जाता है। अब मोगली दरख्तों के टहनियों से एक रस्सी बनाता है और खुद दरख्तों पर चढ़ जाता है। उधर शेर खान ने सभी जानवरों को हरा दिया था, अब वो भी मोगली के पीछे था। अब मोगली दरख्तों के टहनियों पर चढ़ रहा था, शेर खान भी मोगली के पीछे था। अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी पर चढ़ता है जो टूटने वाली थी। शेर खान भी मोगली के पीछे था और अब शेर खान के वेट की वजह से वो टहनी टूट जाती है और शेर खान आग में गिर जाता है। मोगली ने जो रस्सी बनाई हुई थी वो उससे बच गया था। दूसरी तरफ मोगली के साथियों सभी जानवरों को शेर खान ने घायल कर दिया था। वो सभी मोगली के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी वो देखते हैं कि मोगली एक हाथी पर बैठकर वापस आ गया था। अब मोगली हाथियों की मदद से नदी के रुख को बदल देता है जिसकी वजह से नदी का पानी जंगल की तरफ चला जाता है। अब जंगल में जो आग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बुझ जाती है और इस तरह से पूरा जंगल बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मार कर न के सभी जानवरों को बचाया था बल्कि अपने फादर की डेथ का भी बदला लिया था। और अब मोगली को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रहा था और साथ ही बलू भी अब इनके साथ रहने लग गया था। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।